नमस्कार, आप सबको मेरा राजीव कुमार झा की ओर से सादर अभिवादन। जन सरोकार मंच के YouTube लाइव कार्यक्रम में, साहित्य चर्चा के इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं अर्चना प्रकाश। अर्चना प्रकाश जी लखनऊ की निवासी हैं और पिछले कई दशकों से इन्होंने साहित्य लेखन से अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम की है और साहित्य के विविध विधाओं में, जिनमें काव्य लेखन के अलावा बाल साहित्य लेखन, उपन्यास लेखन, कहानी लेखन, इन सभी विधाओं को रखा जा सकता है, इसमें इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और अपने लेखन से, साहित्य सर्जना से इन्होंने सबका ध्यान आकृष्ट किया है। आपका स्वागत है अर्चना प्रकाश जी आज के कार्यक्रम में। सादर नमस्कार आपको, मेरा सादर नमस्कार जी। अर्चना जी, आप बुजुर्ग लेखिका हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने ही शब्दों में आप अपने जीवन के बारे में, अपने लेखन के बारे में आप बताएं। आपके बारे में जानकर हम सभी लोगों को बेहद खुशी होगी। बहुत धन्यवाद राजीव झा जी, बहुत आभार आपका, सम्मानित मंच को नमन, और राजीव झा जी आपको सादर नमन अभिनंदन, और संस्था के सभी प्रबुद्ध सदस्यों को मैं नमन करती हूँ, और जो भी हमारे दर्शक हमसे इस समय जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे जीवन का लेखन का कभी ऐसा था नहीं कि हमने सोचा हो कि हम लिखेंगे या लेखन करेंगे ऐसा मेरा, लेकिन मेरा जो ये स्वभाव रहा है वो बहुत संवेदनशील रहा है, तो उस वजह से कभी हाई स्कूल इंटर में भी मेरी लिखी हुई कविता कहानी हमारे विद्यालय की मैगजीन्स में छपती थी। और हम गांव में ही पैदा हुए हैं, गांव में हमारे बाबा जी रहते थे, उन्हीं के पास हम लोग है। कि आप अपने बारे में जो बता रही थी कि आपका कैसे जो जन्म हुआ एक ग्रामीण परिवेश में हुआ, वहीं पर आपकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई, तो फिर आगे की जो बातें हैं वो सब आप बताएं। मैं आपके सम्मुख पहले वाणी वंदना एक प्रस्तुत कर दूं, और ये मैंने आज के लिए ही तैयार की थी, तो ठीक है, कीजिए कीजिए, सुनाइए। हाँ, माता सरस्वती की वंदना। भगवती सरस्वती, जय हो वीणा वादिनी भगवती सरस्वती, सांसों में तेरा उच्छ्वास हो, आपदा में तेरा विश्वास हो, वर्ण शब्द के वितान में, वर्ण शब्द के वितान में भाव अर्थ का प्रकाश हो, जय हो वीणा वादिनी भगवती सरस्वती, भाव भूमि में संकल्पों की वाटिका, निर्बलों की शक्ति बनो दीन दुखियों की आशा, निर्बलों की शक्ति बनो दीन दुखियों की आशा, कर्मों के सुखद विन्यास हो, कर्मों के सुखद विन्यास हो, उदास चेहरों में खुशी मांगती, जय हो वीणा वादिनी भगवती सरस्वती। और अब अंतिम पंक्तियां देखिए, नौ निहालों में शुद्ध संस्कार हो, नौ निहालों में शुद्ध संस्कार हो, राम कृष्ण नरेंद्र के विचार हो, राम कृष्ण नरेंद्र के विचार हो, सर्व सुखी समृद्ध हो सभी, सर्व सुखी समृद्ध हो सभी, करबद्ध में नित्य यही गा रही, करबद्ध में नित्य यही गा रही, जय हो वीणा वादिनी भगवती सरस्वती।
जय हो वीणा वादिनी भगवती सरस्वती। धन्यवाद, मेरी ये वंदना बहुत सुंदर लगा अर्चना जी आपसे माता सरस्वती की वंदना सुनकर, और मैं अब बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और पहला सवाल है मेरा कि आपने बहुत पारंपरिक ढंग से भी साहित्य को लिखा है और बहुत नए ढंग से भी आपने साहित्य को लिखा है। आज के समाज के सवाल हैं, जाति भेद की समस्या, छुआछूत की समस्या, और फिर नारी भेद की समस्या, नारी असमानता की समस्या, कन्याओं का उत्पीड़न उनके साथ। मेरा जो पहला उपन्यास है वो सुलगते ज्वालामुखी मैंने आपको भेजा है, और वो दलित विमर्श पे है कि जो हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई जो दलित हैं, जो आईएएस भी हो गए, पीसीएस भी हो गए हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन उनके मन में सवर्णों के लिए अच्छी भावना अभी भी नहीं है। वो दलितों को मदद करते हैं, सवर्ण को मदद नहीं करते हैं। एक तो ये चीज मैंने देखी अपने जीवन काल में, मेरे पति डॉक्टर है, चिकित्सा विभाग में है, तो उनके साथ मुझे दलित अधिकारी बहुत मिले और उनसे मेरे सभी से बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन हमने देखा कि वो सवर्णों को सहायता नहीं करते। और दूसरी हमने ये देखी कि मानसिकता यहाँ पर ये है कि हम जैसे मुस्लिम से रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनके घर चले जाएंगे, ईद मिलने चले जाते हैं, बकरीद मिलने चले जाते हैं, उनके यहाँ खाते पीते हैं, लेकिन जब हमारा त्योहार होता है तो हम दलित के यहाँ क्यों नहीं जाते, हम उनसे रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो हमें हर सुविधा देते हैं, वो हमें हर तरह का फायदा देते हैं, तो फिर हम उनसे इतने दूर क्यों हैं? है तो वो हमारे भाई ही, तो हमें उन्हें अपनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और उसी विषय पर ये मेरा उपन्यास है, उसका जो दलित नायक है वो देशराज है और जो सवर्ण नायक है वो वेदांत है, और वो वेदांत मुशीरा से मुस्लिम लड़की से शादी करता है, लेकिन वहीं पर जो देशराज है वो मतलब कई लड़कियों के साथ, जो सवर्ण लड़कियां हैं और जो डॉक्टर सुनीता है उसके साथ काफी गहरे रिश्ते रखता है, बहुत दिन तक लंबा उसका सिलसिला चलता है, लेकिन वो उससे विवाह नहीं करता, विवाह वो दलित लड़की से ही करता है। तो ये एक जो गहरी खाई है ये हमारे बीच की, यदि खत्म हो जाए, हिंदू एकजुट हो जाए, चाहे वो सवर्ण हो चाहे दलित हो, तो हमें लगता है कि वो जो उन्होंने स्कीमें बना रखी गजवाए हिंद और ये कि मुस्लिम तुष्टिकरण, तो ये जो समस्याएं हैं खत्म हो सकती हैं, और इसके लिए हमें आपस में जैसे उनके मन में भरा हुआ, मैंने दलित साहित्य बहुत पढ़ा है और ये बॉम्बे के हैं दलित राइटर हैं उनको मैंने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये किया वो किया, बहुत टॉर्चर किया, जमींदारी समय की बातें हैं सन 50 की और उससे पहले की, लेकिन आज का जो दलित है वो उन समस्याओं से नहीं जूझ रहा है। शरण निम्बाले जो लिखते हैं वो लिखते हैं बहुत पुराना, जो दलित राइटर हैं शरण निम्बाले जी बंबई के हैं, वो बहुत पुराना लिखते हैं, आज का दलित अब उस स्थिति से बहुत आगे हो गया है और उनको उस विचारधारा से आगे आ जाना चाहिए और उनको आपस में जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बस ये मेरा निवेदन है। और इसी भावना से हमने पुस्तक लिखी है, आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको उसका अंदाजा लग जाएगा। और दूसरा मेरा उपन्यास जो अभी पूरा नहीं, रचना जी आपने जो अभी बताया है कि दलित जन जो है उनमें जो लोग विकास के पथ पर, परिवर्तन के पथ पर जो लोग अग्रसर हैं, तो उनके अंदर एक विद्वेष की भावना समाज में देखने को मिल रही है, वो नए सिरे से एक अलग तरह के जातिवाद को जन्म दे रहे हैं समाज में, नए तरह के जातिवाद को जन्म दे रहे हैं। हाँ, एक नए तरह से वो वैमनस्यता का माहौल जो है वो बन रहा है, और आपने इन सब पहलुओं को अपने लेखन में आपने उठाया है कि जो लोग अफसर बन गए हैं, अधिकारी बन गए हैं, और अगर वो दलित समाज से, समुदाय से आने वाले अधिकारी रहे हैं, तो वो लोग अब ये सोचते हैं कि हम दलित हैं और हम जो ऊंची जाति के लोग हैं उनसे अपना अपनी एक दूरी मतलब हम कायम करें,
तो इन सब स्थितियों को आप कितना मतलब उचित मानती हैं? वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो कुछ भी था वो पूर्वजों के बीच था, हमारे भी पूर्वज थे, उनके भी पूर्वज थे। अब हमें नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से एक साथ जुड़ना होगा, और तभी ये समाज और ये देश आगे बढ़ सकता है, और ये जो हमारी हिंदू जाति है वो बढ़ सकती है, आगे बढ़। बिल्कुल, जाति भेद की समस्या चाहे समाज में ऊंची ऊंचे समुदाय के लोगों के भीतर से उभर रही हो, आ रही हो, या जो निम्न जाति के लोग हैं उनके अंदर इस तरह की जो जाति भेद की भावना है, वो दोनों जो है वो अनुचित है, गलत है। जाति भेद की भावना से पूरे समाज को ऊपर आना चाहिए। और अर्चना प्रकाश जी ने अपने उपन्यास में इन मुद्दों को उठाया है, इनका एक नजरिया है ये कि समाज में सभी लोग जो है वो जातिगत चिंतन से खुद को दूर करें, सभी लोग खुद को भारत का नागरिक समझें, एक सामाजिक प्राणी समझें, और यही हमारे संविधान की मूल भावना है जी। हमारे संविधान की, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमारे हमारा समाज जाति धरातल पर नए सिरे से लामबंद हो रहा है। राजनीति में देखिए कि उसका एक प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, पार्टियां जो है जाति के आधार पर टिकट देती हैं। खैर, इन सब मुद्दों को इन्होंने नहीं उठाया है, लेकिन इनका जो विषय है, इनका जो चिंतन है, उसके केंद्र में यही मुद्दा है, कैसे समाज को जाति की गत भावना से बाहर लाया जाए। क्या आपका क्या मानना है अर्चना जी? जी, निकलना होगा और तभी हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और तभी हम देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो दूसरा उपन्यास है वो बेटियों पर है, अभी मैंने उसकी शुरुआत की है, तो उसका ये है कि बेटी बेटी अपनी, जहाँ तक बेटियों की बात है, तो अब आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फिर जब उसको देखिए अपनी बेटी को आज अच्छे भाव में लोग ले रहे हैं, बहुत से माता पिता आज अच्छे मतलब बेटियों के जन्म में खुशी भी मनाते हैं, और उसके कैरियर के लिए, उसके भविष्य के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। लेकिन जब बात आती है अपनी पत्नी की, जब बात आती है अपनी बहू की, तो फिर वो उसके साथ नहीं खड़े होते, उनके नियम उनके कायदे कानून बहुत सख्त होते हैं। तो एक तो ये समाज में जो पुरुषों का दोहरा मापदंड बेटियों को लेकर, वो भी तो किसी की बेटियां हैं, वो भी तो किसी की बहन है, तो आपको सभी के लिए समान दृष्टिकोण रखना पड़ेगा पुरुष वर्ग। तो ये मेरा बेटियों पे उपन्यास जो है उसका मुख्य विषय ये है। दूसरी बात ये कि इतने आज बेटियां अभी भी असुरक्षित हैं समाज में, वो पढ़ रही हैं, वो पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, वो इंजीनियर बन रही हैं, वो स्पेस में जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत असुरक्षित हैं। ऑफिस में, घर में, कहीं भी उनके लिए ये नहीं है कि वो निश्चिंत हो सकती है। उसके ऊपर पुरुषों की कुदृष्टि हमेशा, सड़कों पे वो चलती है तो उसको मिलते हैं तरह तरह के कमेंट्स मिलते हैं, तो ये सब चीजें जैसे नहीं होनी चाहिए। और इनका जो है निराकरण करने के लिए हमें जो जो लड़के जब जो लड़कों की परवरिश है उसमें उनके संस्कार ऐसे डालने चाहिए कि वो लड़कियों हर जगह वो लड़की जो भी बहुत होनहार है, बहुत जीनियस है, बहुत प्रतिभाशाली है, तो वो हर जगह पुरुषों की कुदृष्टि का शिकार हो रही है। और अभी बहुत ज्यादा है, गैंगरेप होता है, लिव इन करते हैं, और सबसे ज्यादा जो ये चल रहा है कि लव जिहाद होता है कि वो कभी गुप्ता कभी तिवारी बन के आते हैं, और लड़कियों को पहले तो प्रेम जाल में करते हैं और फिर उनको मारते पीटते हैं कि इस्लाम को दूर करो। तो ये जो अपहरण 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 बड़ी तादाद में समाज में जो लड़कियां हैं उनका अपहरण जो है करके यौन धंधों में, यौन कार्य से जुड़े केसों में उनको लगाया जाता है। एक रिपोर्ट ये भी है
कि उनके अंगों की तस्करी की जाती है, उनके अंगों की खरीद फरोख्त की जाती है। भारत में बहुत भयावह समस्या है, लगातार की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई है और किशोरियां कन्याएं जी। तो आपने इन सब मुद्दों को उठाया है अपने उपन्यास में, क्या नाम बताया आपने अर्चना जी अपने उपन्यास का जिसमें आपने किशोरियों और कन्याओं की समस्याओं को उठाया है? टूटते तारे उसका नाम। तो अभी आप लिख रही हैं, रचना कर रही हैं? हाँ, अभी लगेगा, उसमें समय लग जाएगा, चार पांच महीने लग जाएंगे, अभी तो शुरुआत ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अर्चना जी कि आप एक बहुत ज्वलंत विषय पर, समाज की भयावह समस्या पर अपना भी अपना लेखन कर रही हैं, एक उपन्यास की रचना में आप संलग्न हैं, और शुभकामनाएं कि आपका उपन्यास समाज में पढ़ा जाए और समाज में एक नई चेतना का संचार हो इस घृणित और भयावह मतलब समस्या। जो ये सुलगते जी, आप कवित्री भी हैं, आप कवित्री भी हैं, अब हम लोग आपके काव्य लेखन के बारे में बातचीत करेंगे। आप ने कविताएं कब लिखनी शुरू की, कब से कविताएं लिख रही हैं, बताइए। जी, मैं कविता, मेरे बच्चे वगैरह थे तो उन लोगों में मुझे कभी लिखने का समय नहीं मिला। हमारी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन जब हमारे बेटे की शादी हो गई 99 में, तो उसके बाद हम थोड़ा सा समय हमारे पास था, तो हमने सबसे पहले भजन लिखने शुरू किए। मैंने भक्ति गीत लिखे, और भक्ति गीत की मेरी पहली पुस्तक है अर्चन करूं तुम्हारा, वो 2008 में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद से देखिए, मैंने दुर्गा सप्तशती का, गोरखपुर की सप्तशती का हिंदी अनुवाद किया हुआ है। अच्छा। और मैंने बसे मन राधे श्याम श्री कृष्ण की पुस्तक है, वो भी लिखी हुई है। और अभी ये हमने नमामि रामम आपको भेजी है। और उसके बाद मैंने योग माया पराशक्ति सीता पे आलेख लिखे हैं, वो मेरी पिछले साल लोकार्पित हुई है। तो मेरी भक्ति गीतों से शुरुआत हुई है, और अभी हम नारी विमर्श की कहानियां और उपन्यास लिखते हैं, और कविताएं तो सभी सभी तरह की होती है, उसमें हर विषय की कविता होती है। अर्चना जी, आपके काव्य में भारतीय नारी का जो संस्कार है, उसकी जो धर्म प्रांतता की जो भावना है, उसकी जो आध्यात्मिक चेतना है, तो ये विशेष रूप से प्रकट हुई है, और हम आपकी ऐसी कुछ कविताएं आप सुनना चाहेंगे अपनी आध्यात्मिक शैली में, आध्यात्मिक चेतना की कविताओं को आप हमें सुनाएं। एक मैं आपको ये कविता मैंने लिखी थी जब चुनाव होने वाले थे, चुनाव से पहले की कविता है, इसको आप सुनिए, मैं सुनाती हूँ, और इसके बाद आध्यात्मिक कविता भी सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है किसको कौन। अब अभी तो चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट निकल गया, परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन ये पहले की कविता है, तो सुनिए। किसको चिंता हुई कभी, किसको चिंता हुई कभी गांव शहर कबीलों की, किसको चिंता हुई कभी गांव शहर कबीलों की, नैतिक मूल्यों तहजीबों की यक्ष प्रश्न है बस एक ही, बनेगा कौन मालिक किसका, और किसका कितना हो हिस्सा, कैसे किसको दे पाएं गच्चा, और समझाएं कैसे जन को अच्छा। आगे देखिएगा, सोच रही हैं टूटी सड़कें, सबका उद्धार करेगा कौन, इन अनगिन दावेदारों में अब की सरदार बनेगा कौन, सबका उद्धार करेगा कौन
इन अनगिन दावेदारों में अब किस सरदार बनेगा कौन, और जन जन की लगी टकटकी, जन जन की लगी टकटकी, बेरोजगारी महंगाई पूछ रही है, कुछ जुमलों के जलवों से, कुछ जुमलों के जलवों से झट चमत्कार करेगा कौन, झट चमत्कार करेगा कौन। और ये पंक्तियां आप समझ जाएंगे किसके लिए हैं। यदि होता जज्बा, यदि होता जज्बा श्रम ईमान का, यदि होता जज्बा श्रम ईमान का, करते वो रोजगार कोई भी, करते वो रोजगार कोई भी, किंतु राग दरबारी के साए में, किंतु राग दरबारी के साए में असल रोजगार करेगा कौन, किंतु राग दरबारी के साए में असल रोजगार करेगा कौन। और अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, मुश्किलों के झाड़ बढ़ रहे, मुश्किलों के झाड़ बढ़ रहे, सच्ची हमदर्दी दिल में रख कर निष्काम रहते देगा कौन, निष्काम रहते देगा कौन, किसको चिंता हुई कभी गांव शहर कबीलों की, किसको चिंता हुई कभी गांव शहर कबीलों की, नैतिक मूल्यों तहजीबों की। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो खत्म हो गई हैं, लेकिन चुनाव के बाद सरकार का तो गठन हो ही गया है, और यहीं पर आपने जनता की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, शासन से, और लोकतंत्र में सरकार के का जो धर्म है, तो उन सब प्रसंगों को लेकर के आपने चुटिले अंदाज में आपने बहुत सारे सवालों को इस अपनी इस कविता में आपने रखा है, और बहुत एक सुंदर कविता आपने लिखी है, विमर्श की कविता है, और इसमें व्यंग के भावों का भी समावेश है और चिंतन भी है, राजनीतिक चिंतन है, सामाजिक चिंतन है, हमारी सरकार, हमारा शासन जो है वो सकारात्मक संदर्भों को लेकर के आगे बढ़े, जनता के कल्याण में नेतागण जो हैं वो अग्रसर हों, तभी भारत का लोकतंत्र सार्थक होगा। और बहुत अच्छा लगा। अब हम आपसे आपकी दूसरी कविता भी सुनना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि धर्म और अध्यात्म की कविताएं आप बाद में सुनाएंगी, तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। शीर्षक है बस एक बार, बस एक बार। जी, दैनिक जीवन की बातें हैं और अनुभव की बातें हैं। निगाहों में बसे जो सालों साल, निगाहों में बसे जो सालों साल, गिरते नजर से बस एक बार, गिरते नजर से बस एक बार। और दूसरी पंक्तियां सुनिए, प्यार भरोसा और ईमान यहाँ, प्यार भरोसा और ईमान यहाँ, टूटता बिखरता बस एक बार, टूटता बिखरता बस एक बार। और सौ सौ कसमें वादे भी हजार, सौ सौ कसमें वादे भी हजार, सिर्फ सच्चाई बस एक बार, सिर्फ सच्चाई बस एक बार। और झूठे ठसके ऊंची है कड़ियां, झूठे ठसके ऊंची है कड़ियां, और खुलती पोल बस एक बार, खुलती पोल बस एक बार। और धर्म कर्म के आडंबर नित्य, धर्म कर्म के आडंबर नित्य, सच्चा सरल मन बस एक बार, सच्चा सरल मन बस एक बार। और सेवा सद्भाव मिन्नते हजार, सेवा सद्भाव मिन्नते हजार, जो ये आपके बाबा जी पकड़े जा रहे हैं, जो और तमाम जगहों पे पहले भी बाबा जी पकड़े गए हैं, तो सुनिएगा। सेवा सद्भाव मिन्नते हजार, ज्ञान उद्घोष बस एक बार, ज्ञान उद्घोष बस एक बार। और ये पंक्ति देखिए, जन्म परवरिश रिश्ते हजार, जन्म परवरिश रिश्ते हजार, अपमान ठोकरे बस एक बार, ये अपमान ठोकरे बस एक बार। और अंतिम पंक्ति है, टेढ़े प्रश्नों के उत्तर सीधे, टेढ़े प्रश्नों के उत्तर सीधे, और उत्तर में प्रश्न छिपे कई बार, उत्तर में प्रश्न छिपे कई बार। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपकी कविता को सुनकर। आपकी कविता में
एक आह्वान है, एक अनुरोध है और समाज से, लोगों से, कि आप ने जो कुछ भी देखा है समाज में उस पर आप निरंतर चिंतन और विमर्श करने के लिए लोगों को उत्प्रेरित करती हैं और समाज के छल छद पर आक्षेप करती हैं, आडंबर जो है समाज के में उन पर आप एक तरह के प्रश्न को खड़ा करती हैं। हम आपसे आपकी दूसरी कविताएं भी सुनना चाहेंगे, सुनाए। अब जो आपने लड़कियों की बात की, जो आज की लड़की, जो आज आप देखते हैं इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, इतने घर टूट रहे हैं, लड़कियां वापस आ रही हैं, शादी होकर जाती हैं फिर तुरंत ही डाइवोर्स हो जाता है, तो उस विषय को लेकर ये कविता है, शीर्षक है अगर। अगर तो वो लड़की, आज की लड़की क्या चाहती है ये आपको बताना चाहते हैं। अगर तुम होते कान्हा जैसे, अगर तुम होते कान्हा जैसे, हम भी राधा बन जाते। अगर तुम होते कान्हा जैसे, निज मन वृंदावन में नित रास रचाया करते, तुम मेरी मनवल करते, रहते संग हम जोली जैसे। अगर तुम होते कान्हा जैसे, हम भी राधा बन जाते। घर आंगन गाँव में हम नित नई द्वारिका बसाते, घर आंगन गाँवों में हम नित नई द्वारिका बसाते, सत चित और आनंद सुरों से, सत चित और आनंद सुरों से गूंजती वंशी गोकुल जैसे, गूंजती वंशी गोकुल जैसे। अगर तुम होते कान्हा जैसे, अगली पंक्तियां सुनिए। मन मानस के रिश्ते भी अंतस में गहरे उतरते, जग सारा ही ये कहता, जग सारा ही ये कहता, प्यार रुक्मिणी का राधा जैसे, प्यार रुक्मिणी का राधा जैसे। अगर तुम होते कान्हा जैसे, अंतिम पंक्तियां हैं। तुम रिवंशी के सातों सुर मेरी पायल की सरगम बनते, तुम रिवंशी के सातों सुर मेरी पायल की सरगम बनते, और जन जन गोपी गोप बन रहे, कण कण में होता उत्सव जैसे, कण कण में होता उत्सव जैसे। अगर तुम होते कान्हा जैसे, हम जी राधा बन जाते। अगर तुम होते कान्हा जैसे, ये आज की लड़की का चैलेंज है।